हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हाईवे क्लासेस पर। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 6 कवर कर लिए हैं। आज पार्ट 7 है कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ में। टोटल हमने लोगों ने 60 क्वेश्चंस हम लोग कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू हो रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 ये एक अलग टाइप में है। इसमें कोई वस्तु जो है एक बार बेची जाएगी और फिर जो एक और टाइप इसी में शामिल है, जिसमें वस्तु दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए बेची जाएगी। ठीक है, अब आप देखना इसमें कैसे कैसे आपको सवाल देखने को मिले। लास्ट में एक बहुत ही अच्छा भी सवाल है, उसको भी आप देखना। देखिए, एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर। अच्छा दोस्तों, इसी टाइप के सवाल आपके जो एग्ज़ाम होगा उसी में फंसेंगे। बस वैल्यू बदली होगी, बस आपको इसी टाइप से फंसेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आप इनको पढ़िएगा और समझिएगा। एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपये में खरीदा होता। अब वस्तु वही एक ही है और उसी एक ही वस्तु को एक ही बार खरीदा बेचा गया है। उसी से संबंधित जो बातें दी गई हैं, कुछ बातें जो हैं हम आपको फिर से याद दिला दें। अगर आपको विक्रय मूल्य दिया जाता है और आपको हानि लाभ कुछ भी लेना रहेगा तो गुणा 100 करेंगे और बटे में लाभ हानि लेंगे, यानी कि हर में लाभ हानि देते हैं। मतलब लाभ हो रहा होगा तो 100 में ऐड कर देंगे, हानि हो रही होगी तो 100 में घटा देंगे। यही चीज़ आप ध्यान रखना। जब आपको क्रय मूल्य दिया गया CP, तो 100 तो बटे में आ जाएगा और लाभ हानि कुछ भी लेनी रहेगी वो आपको ऊपर लेनी पड़ेगी अंश में, यानी कि लाभ हो रहा होगा तो 100 में ऐड कर देंगे और हानि हो रही होगी तो 100 में से घटा देंगे। इतना आप ध्यान रखना। एक चीज़ और भी बता देते हैं कि आपने क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि कुछ भी ले ली तो वो क्रय मूल्य बन जाता है, या यूं कह लीजिए कि क्रय मूल्य पर अगर आपने लाभ हानि ले लिया तो वो विक्रय मूल्य बन जाता है। ठीक है, एक और चीज़ बता देते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कोई वैल्यू है यहाँ पर और ये अंश है, ठीक है, और ये हर है, और हर अगर बड़ा है, हर बड़ा है तो आपका जो उत्तर आएगा वो छोटा आएगा। क्या आएगा? छोटा। और अगर इसका उल्टा कर दिया तो बड़ा आ जाएगा। ठीक है, समझे? मतलब हर अगर बड़ा रहेगा तो आंसर छोटा होगा, यानी कि ज़्यादा से भाग करेंगे तो आंसर कम आएगा। ठीक है, बस ऐसे ही बता दिया, ध्यान रखें। एक घोड़ा 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है, तो 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। चलिए, तो कितने रुपए में बिकता, अब समझिए। एक घोड़ा 20,000 का था, तो आप 20,000 यहाँ पर ध्यान दीजिए, 20,000 आपने लिख लिया। ठीक, अब 20,000 बेचने पर 25% का लाभ होता है, यानी कि बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य दिया गया और 25% का लाभ लेना है। तो जब विक्रय मूल्य पर लाभ लेना होगा तो गुणे लगाएंगे 100, और बटे में 25% का लाभ लेना है तो 100 में जोड़ देंगे 125। अब ये क्या बन चुका है? क्रय मूल्य बन चुका। कैसे पहचाने? जब आपने विक्रय मूल्य पर लाभ हानि लिया तो वो क्रय मूल्य में तब्दील हो जाता है। ठीक है, मतलब ये क्रय मूल्य लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये CP है और ये वाली वैल्यू सिर्फ SP थी। आप ध्यान रखना, जब हमने विक्रय मूल्य पर लाभ हानि लिया तो क्रय मूल्य बन चुका है। ठीक है, अब यदि उसे 40% के लाभ पर बेचा जाता, मतलब जो ये CP है उसको हमको बेचना है 40% के लाभ पर। अब भैया, जो CP को अगर 40% के लाभ पर बेचोगे तो आपको कैसे बेचना पड़ेगा? 140/100, यानी कि क्रय मूल्य पर जब हम लोग लाभ हानि लेते हैं तो बटे में 100 लिखे जाते हैं, लाभ हानि ऊपर ले लेंगे। और जब ये क्रय मूल्य पर लाभ हानि लिया तो अब ये जो टोटल वैल्यू यहाँ से यहाँ तक बनी वो विक्रय मूल्य कहलाए। और आपसे पूछा क्या गया था? तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता है, मतलब क्या पूछा गया था? विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, तो बस अब हम लोगों को इसको कट करना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ 100 से 100 कट गया, 25 चक्कू 100 होता है, 25 पंचे 125, और 25 अट्ठे 200 होता है। ठीक है, ध्यान रखना। और ये दो जीरो हैं उनको भी आप लिखना चाहो लिख दो, और 5 से अगर हम इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, मतलब यहाँ 28 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी हम लोग गुणा कर लेते हैं। 2 जीरो के तो 2 जीरो ऐसे ही लिख लेंगे, 8 से 8 की गुणा करेंगे, 8 अट्ठे 64 के 4, हासिल कितना? 6, 8 दूनी 16 और 6,
22, यानी कि 22,400। तो इसका क्या राइट आंसर है? तो घोड़ा कितने रुपए में बिकेगा? 22,400 में। भैया 20,000 में बिक रहा था तो 25% का लाभ हो रहा है, और हमें 40% का लाभ लेना है तो 20,000 से ज़्यादा तो बेचना ही पड़ेगा। देखो 22,400 आ गया। यही आपका आंसर है, और इसी टाइप से आपको सवाल लगाते रहना है, इनमें आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या हमसे लगेगा कि नहीं लगेगा। एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची, ठीक है, वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती। कह रहा हमें 10% की हानि हुई, लेकिन अभी मज़ा नहीं आया, हानि को करो 19%। यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1,200 रुपये हो। अब आप ये मत समझना, जो आपको प्रतिशत लाभ तीन बार दिया गया, 1, 2, 3, ये तीन गिन लो, नहीं। कह रहा जब आपने 10% हानि पर बेचा था तो विक्रय मूल्य 1,200 था, मतलब ये वाली इसका आंसर नीचे लिख दिया गया। मतलब ये भी कह सकता था कि 1,200 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, 19% हानि पे बेचने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, ये भी कह सकता था सवाल की लैंग्वेज। लेकिन उसने कहा कि एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची, वह साइकिल को कितने रुपए में बेचता कि 19% हानि हुई। अब देखिए यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1,200 हो, यानी कि विक्रय मूल्य आपको दिया गया है कितना, 1,200, और 10% की हानि, तो देखो दोस्तों विक्रय मूल्य दिया जाएगा तो गुणा में पहले 100 लगेगा, और लाभ हानि जो भी लेनी है वो बटे में रहेगी। 10% की हानि लेनी है तो यहाँ पर 90 हो जाएगा, ठीक। अब ये हमारा यहाँ से यहाँ तक सीपी बन चुका होगा, और सीपी पर लाभ हानि जब भी लेना होगा तो 100 बटे में रहेगा, और चूंकि 19% की हानि लेनी है तो 19 इसमें से घटा देंगे। तो जब आप 100 में से 10 घटाते हैं तो 90 बचता है, 90 में से 9 घटाएंगे तो आपको 81 बचेगा, तो आपको यहाँ 81 लिख देना। तो 100 से 100 ये कट जाएगा दोस्तों, तो 10 10 यहाँ पे कट जाएगा, और 9 से इसको कट दोगे तो 9 9 81 हो जाएगा, तो 12 9 हो जाएगा 108, और 1 10 तो 1,080 आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप मैच भी कर सकते हो, कैसे कि 1,200 रुपये बेच रहे हैं तो 10% की हानि हो गई, हमको हानि 10% से लगा के 19% पर ले जाना है तो 1,200 से और कम में बेचना पड़ेगा, तो देखो 1,080 में बिक रही है, तो यही अपना आंसर है। तो इसी हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। मोहन ने अपना प्लाट 2,00,000 रुपये में 20% घाटे पर बेचा, तो आपको 2,00,000 लिख लेना है, और 20% घाटे पर बेचा तो यानी कि विक्रय मूल्य दिया गया, और 20% का हमको इस पर घाटा लेना है, मतलब 100/80 रहेगा विक्रय मूल्य लेना है। तो अच्छा, वह उसे कितने रुपए बेचता कि 10% का लाभ हो रहा है। अब हमको बेचना है, और कोई चीज़ बेचोगे तभी जब कोई चीज़ खरीदी होगी, तो क्रय मूल्य आपको ये 2×100/80 ये क्रय मूल्य, और इस पर 10% का लाभ लेना है, मतलब 110/100 करना है, यानी कि क्रय मूल्य में 100 नीचे रहता है, तो 0 से 0 काट देंगे, 2×8 11/4, या यूं कह लीजिए भाग कर लेंगे आप, तो 4×2 8 4×2 8 बचे कितने, 3, तो लगा लें यहाँ पर दशमलव, बचे 3 हो गए, 4×7 28 और 4×5 20, यानी कि 2.75 लाख में आपको बेचना पड़ेगा। 2,00,000 में बेच रहे हो तो 20% का घाटा हो रहा है, तो आपको 10% का लाभ लेना है, तो 2,75,000 का बेच दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लाख को हज़ार में कन्वर्ट करके भी लिख सकते थे, ठीक है, तो वो भी कर लेते, तो उसमें भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 64, क्वेश्चन नंबर 64। एक लैंप 25% लाभ लेकर 35 रुपये में बेचा गया, तो भैया 35×25% का लाभ लिया है विक्रय मूल्य पर, तो विक्रय मूल्य गुणा 100 रहेगा। अब 25% का लाभ मतलब 125×15% लाभ प्राप्त करने के लिए लैंप को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, मतलब हमको 115/100, तो 100 से 100 कट गया, और आप 5 से ही काट दीजिए, तो 5 से काट दोगे तो 25 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 25 और यहाँ पर आ जाएगा 23। अब 5 से और काट दो तो 25 और 5×7 35, तो यहाँ पर आपको अब तो कुछ कट नहीं रहा, नीचे की वैल्यू तो 5 बची रहेगी, तो 7×3 21 के 1 7×2 14 और 2 16/5, और अगर हम दशमलव में ले जाएंगे तो 5×3 15 बचा 1 हो गया 11, 5×2 10 बचा 1 हो गया 10, फिर 5×2 10 यानी कि 32.2, यानी कि 25% का लाभ ले रहा था जब 35 में बेच रहे थे, अब लाभ घट गया है तो रुपए भी घटेंगे, यानी 35 जगह कितने पर शिफ्ट हो गए, 32 पर। तो ठीक है,
अब आपको इस टाइप के जो सवाल हैं उनमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदा। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये ध्यान रखा करो, जैसे हम अंडरलाइन कर रहे हैं खरीदा लिखा है यहाँ पर कि बेचा लिखा हुआ है, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदी, तो भैया 1,000 हमने यहाँ पर लिख दिए, और 20% के लाभ पर बेच दी। तो भैया खरीदी पर जब आप लाभ लोगे तो आपको 100 बटे में चले जाएंगे। पहले 100 ऊपर रहते थे, क्यों? क्योंकि पहले बेचता था, और 20% का लाभ लेना है तो 120 हो गया। तो 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया, ठीक है। अच्छा, श्याम ने 10% घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया है। अब ध्यान देना है यहाँ पर एक चीज़ कि देखो भाई, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक व्यक्ति है राम और एक व्यक्ति है यहाँ पर श्याम, और एक व्यक्ति है यहाँ पर श्याम ने किसे बेच दिया? मोहन। अब एक चीज समझो, मान लेते राम के पास जो है साइकिल थी, राम ने जब श्याम को बेचा तो राम ने कोई वस्तु खरीदी होगी और श्याम ने उस श्याम को उसको बेच दिया। तो श्याम के पास जो ये वाली वस्तु पहुंची है, तो जितने में श्याम ने खरीदी है वो है उसकी सीपी, और ये है एसपी किसी का, किसका? राम का। राम का तो ये विक्रय मूल्य है, लेकिन श्याम का तो ये क्रय मूल्य है। अब हम अपना लाभ हानि विक्रय मूल्य पर लें कि क्रय मूल्य पर लें? सवाल ये उठता है कि एक ही वस्तु के दो नाम हो गए, एक का नाम है क्रय मूल्य, एक विक्रय मूल्य, वस्तु एक ही है। तो हम सवाल ये उठता है कि क्रय मूल्य पर लाभ लें कि विक्रय मूल्य पर? तो अभी ये सवाल बताएगा। अगर श्याम ने मोहन को दे दी होगी तो आप ये पता करो कि श्याम के लिए वो वस्तु क्या थी। तो श्याम के लिए उस वस्तु का था सीपी, और यस विक्रय मूल्य किसका था? वो तो राम का था ना विक्रय मूल्य, तो श्याम के लिए तो वो क्रय मूल्य था। और जब श्याम ने मोहन को बेचा तो मोहन ने जब खरीदा होगा तो उसके लिए वो सीपी हो जाएगा, और लेकिन यही वाली चीज श्याम के लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये चीज भी ध्यान रखना है। जैसे राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया, तो मतलब 120/100 कर लिया। अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है ये राम के लिए तो विक्रय मूल्य हो गए, लेकिन ये श्याम के लिए क्रय मूल्य है। तो श्याम ने 10% घाटा सहकर, अब यानी कि श्याम के लिए तो क्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य पर फिर से आपको लाभ हानि लेनी है, तो आप फिर बटे में 100 रखेंगे, ये नहीं कि 100 ऊपर लिख देंगे। तो 10% का घाटा सहकर यानी कि 90 घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए उसे मोहन ने साइकिल को कितने रुपए में खरीदा? तो अब की बार ये 100 ऊपर नीचे नहीं है कि कट जाएंगे, बहुत बहुत संभल के आपको बात करनी है। 1, 2, 3 और एक ये वाला 0, 4, तो 4 0 ऊपर के, तो 2 और 2, 4 0 नीचे के, तो 12 नेमा 108 और ये वाला 0, तो 1,080 रुपये में। तो मोहन ने कितने रुपये में साइकिल खरीदा? 1,080 रुपये में मोहन ने खरीदा, ठीक है। तो ये सवाल रहा आपका। चलिए अगला सवाल देखिए। रीता अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदी, मतलब 4 लाख रुपए में खरीद लिया रीता ने, और उसने 25% लाभ पर मकान को सीता को बेच दिया। तो 25% का लाभ मतलब 125/100। अब ये सीता को बेच दिया, सीता के लिए ये क्रय मूल्य है। अब समझने, सीता ने 10% लाभ लेकर मकान को गीता में बेच दिया, सीता ने भी बेचा है लेकिन सीता के लिए सीपी ही था, तो 10% का लाभ लेना मतलब 110/100 मकान बेच डाला। यदि गीता 5% लाभांश लेकर संगीता को बेच रही है, तो गीता भी 5% का लाभांश ले रही है, तो 105/ आपको 100 करना है, मकान बेच दिया, तो संगीता को कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो बस यही हमको हल कर लेना है, इतने रुपए देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर जो वैल्यू जैसे कट रही हो आप उसको वैसे काट दीजिए। मान लो यहाँ से 25 से काट देंगे तो 25 पंचे होता है 125 और 25 चक्कू होता है 100, ठीक है। 25 से काटा और 4 से 4 कट गई। अब ये आ जाओ 5 से काट दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20 और 1 0 1 0 ये कट गया, ठीक। अब ऊपर नीचे हैं आपके ये सब वैल्यू लाख में हैं, अगर आप इसको हज़ार में कन्वर्ट करोगे तो वो भी हो जाएगा। पहले तो गुणा कर लेते, 11 5 55 के 55 ही लिख जाएंगे क्योंकि बीच में 0 है, 11 1 11 बटा नीचे है 200, तो 200 से भाग ना कर कर हम 2 से पहले भाग कर लेते हैं, तो 2 5 10 बचा 1 हो गए 15, 2 7 14 बचा 1 फिर हो गए 15, तो 2 7 14 बचा 1 फिर हो गए
दो सत्ते 14 बचा एक, फिर हो गए 15, तो 2 सत्ते दशमलव लगा के 2 सत्ते 14 ऐसे करके, और बटा में आपका आ जाएगा 100। और जब आप 100 से भाग करोगे तो दशमलव इधर खिसकेगा, यानी कि 5.77 लाख, यानी कि इतने लाख हमने उसमें वो रुपए में कन्वर्ट नहीं किया। अगर आप रुपए में कन्वर्ट करोगे तो 5,77,000 समथिंग आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है पूरा चला जाएगा, क्योंकि 2 पंचे 10 बचा एक 15 हो गए, 2 सत्ते 14 बचा एक, फिर 15 हो गए, 2 सत्ते 14 बचा एक, अब 10 हो जाएंगे, तो 2 पंचे 10 यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला देखिए, राम ने एक रेडियो 800 रुपये में ख़रीदा। ठीक है, 800 में ख़रीद लिया आपने। इसे राम ने श्याम को 20% के लाभ पर, यानी कि जब खरीदा है तो 20% लाभ मतलब बेच रही रहा होगा, 120/100। श्याम ने रहीम को 25% के लाभ पर, भैया ये चीज़ श्याम के पास गई, श्याम के लिए तो ये सीपी ही है, तो 125/100 के लाभ पर। तथा रहीम ने सुरेश को, अब जब श्याम ने रहीम को बेचा फिर रहीम ने भी बेच दिया, तो इसका मतलब रहीम के लिए सीपी था, रहीम ने सुरेश को 25% हानि मतलब 75/100 पर बेच दिया। रहीम का विक्रय मूल्य बताइए, तो रहीम का विक्रय मूल्य बताइए, तो रहीम का विक्रय मूल्य कैसे पता चलेगा? रहीम ने जब सुरेश को बेचा है तो जिस मूल्य पर बेचा होगा वही विक्रय मूल्य है। आ ये भी कह सकता था कि सुरेश ने कितने में खरीदा, तो भी हमारा यही आंसर है, रहीम का विक्रय मूल्य या सुरेश का क्रय मूल्य दोनों क्या होंगे, एक ही बात होगा, ये चीज़ पीछे भी समझा चुके हैं। तो 1, 2 और 1, 3 जीरो ऊपर के काट दो, तो 2 और 1, 3 जीरो कट गया, तो 25 3 75 और 25 चौके 100, 4 से काट दो, 4 2 8, ठीक है, 5 से काट दो तो 125 को 5 से काटो तो 25, और 5 2 10, और 2 से 2 ये कट गया। हमारे पास क्या बचा हुआ है? अब हमारे पास 25 × 12 × 3 बचा हुआ है। ठीक है, 25 3 75 और × 12, तो 12 5 60 का 0 हासिल 6, 12 7 84 और 6 90, यानी कि कितना हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 900 रुपये। ये रहीम का तो विक्रय मूल्य और सुरेश का क्रय मूल्य, चाहे जो पूछे वही हमारा आंसर, विक्रय मूल्य पूछा गया था रहीम का, तो भी 900 राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और भी है बहुत ही अच्छा, उसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने कुछ मात्रा में चावल 150 रुपये प्रति कुंतल की दर से खरीदा। ठीक है, 150 रुपये प्रति कुंतल, मतलब 1 कुंटल में कितना आता है, 100 किलो आता है, ठीक है, प्रति कुंटल इधर से खरीदा। 100% चावल चूहे खा गए, सॉरी 10% चावल चूहे खा गए, अगर 100% खा जाएगा मतलब तो कुछ बचेगा नहीं, तो 10% चावल चूहे खा गए, शेष चावल को वह किस दर से बेचे जिससे उसे 20% का लाभ हो सके। तो मतलब उसने 100 किलोग्राम चावल जो है 150 रुपये प्रति कुंतल की दर से खरीदा है, और उसको 20% का लाभ भी कमाना है, और जिसमें से 10% चूहे खा गए, 90 किलोग्राम बचे हैं। अब 90 किलोग्राम को वो कुछ इस रेट पर बेचेगा, यानी कि किस रेट पर, शेष चावल को किस दर से बेचे, तो अभी दर तो हमें निकालनी है, मान लेते हैं एक्स पर बेचेगा, और जो भी है उसको कितना लाभ होना चाहिए, 10-20% का लाभ होना चाहिए। तो 100 किलोग्राम चावल 150 में खरीदा है तो कितने का हो गया, 15,000 का। भैया 100 × 15 जो है 15,000, 150 रुपये प्रति कुंटल, तो आप देखोगे तो अब हमें 15,000 को 20% का लाभ भी लेना है, तो भैया 15,000 का 20% लाभ 120/100, तो ये हमें आंसर कर देना है। तो यहाँ पर जो है कट के वैल्यू जो निकलेगी, x बराबर आ जाएगा 15,000 × 120/100 और ये वाली वैल्यू बटे में आ जाएगी 90। अच्छा, ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, जो आप पीछे सवाल लगा के आए हैं
वो ऐसे है कि 150 रुपये पर 10% चावल चूहे खा गए, मतलब 10% का नुकसान हुआ है। तो 150 पर 10% का नुकसान हुआ है, और शेष चावल को आप किस दर से बेचे जिससे उसे 20% का लाभ हो जाए। किस दर से बेचे, मतलब पहले कहीं ना कहीं खरीदे होंगे, अब बेच रहा है तो 20% का लाभ लेना है। तो 20% का लाभ लेना है, किस दर से बेचे, तो यानी कि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ लेना है। और क्रय मूल्य कब आया होगा, जब 10% चावल चूहे खा गए, मतलब 10% का नुकसान हुआ होगा, यानी कि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पर शिफ्ट हो रहे होंगे। तो यानी कि 100/90 × 120/100 ऐसे करके, तब जाके जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो जो 0 0 काट देंगे, ये दूसरा तरीका है। अभी हम बताएंगे 3 3 9 और 3 4 12 और 3 5 15 और 5 6 20, यानी कि शेष चावल आप 200 रुपया प्रति कुंतल बेचोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सेम यहीं से भी 1 2 3 और 4 0, सॉरी 4 तो कटेंगे, 3 ही कटेंगे, और 3 3 9 3 4 12 और 3 5 15 और 5 6 20, और ये वाला 0, 200 रुपये प्रति किलो यहाँ से। यही सवाल, यही कॉन्सेप्ट हम पीछे पढ़ा चुके हैं सबसे पहले 61 नंबर सवाल में। लेकिन यहाँ पर समझने की चीज़ यह है, 10% चावल छुए खा गए तो मतलब ये है कि 10% का नुकसान हुआ है। लेकिन अब आपको 100/90 करना है या 90/100 करना है, यही तो समझना है। शेष चावल को किस दर से बेचे जिससे उसे 20% का लाभ हो जाए। बेचे अभी बेचे नहीं है, मतलब अभी खरीदे हैं, खरीद यानी कि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ लेना है। यानी कि मान लेते हैं 150 पर 20% का लाभ लोगे तो 150 × 120/100 लोगे, और उससे भी पहले 10% का नुकसान हुआ है। और इसका मतलब यह है आपका विक्रय मूल्य पर आपने 10% का नुकसान लिया, तो आपके ये क्रय मूल्य बन चुके हैं, और क्रय मूल्य पर 20% का लाभ ले लिया। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं, नहीं तो आप इस मेथड से आप आइए। 100 किलोग्राम चावल थे, 150 रुपये प्रति किलोग्राम मान लेते हैं, जैसे प्रति क्विंटल कहा गया उसको किलोग्राम मान लेते हैं, तो यहाँ पर 15,000 रुपये की चावल हो जाएंगे, इस पर हमको 20% का लाभ चाहिए। तो 15,000 रुपये आप जो खर्च किए हैं उस पर 20% का लाभ लोगे, 120/100 के होने चाहिए। और 10% चावल चूहे खा गए, बचे 90 किलोग्राम को किस दर से बेचे, एक्स रेट से बेचो, बस एक्स की वैल्यू काट के निकाल लो, 200 आ जाएगी। यही अपना आंसर है, ठीक है। और तो सही है, टाइप वाइज हम लोग कर रहे हैं तो आपके टाइप भी क्लियर होते रहेंगे, उस टाइप के जो भी सवाल हैं क्लियर होते रहेंगे। धन्यवाद आप सब लोगों का। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, या जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो हाईवे क्लासेज इंस्टाग्राम पर सर्च करके वहाँ पर हमें आप सवाल डाल सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।